All my numbers end with 666666. It could be my card, it could be my phone number, it could be my anything. Anybody who knows me knows that I use numbers to have 666. The devil. Welcome watchers. मैं हूँ मास्टर जैकब और आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर लिस्ट ऑफ की इवेंट्स डे 666. जी हाँ, आपकी नजर ने भी इस चीज को कैच किया होगा कि 666 वाई ये यहां पर क्या कर रहा है. तो यहां पर हमें इस न्यूज में बताया जा रहा है कि जी इस जंग को 666 दिन हो चुके हैं और 666वें दिन के बारे में कुछ की इवेंट्स है जो कि ये न्यूज हमें बताना चाह रही है कि क्या मेन डेवलपमेंट्स हुई हैं इस जंग की वजह से या हो रही हैं. अब हकीकत यह है कि न्यूज वालों को जब कुछ भी नहीं ना मिला तो उन्होंने देखा कि भाई यहां पर 666वां दिन बन रहा है, तो चलो पकड़ के तो हम क्या करते हैं, न्यूज बना देते हैं, उसके ऊपर व्यूज आएंगे, लोग देखेंगे आके हमारी वेबसाइट के ऊपर न्यूज को. अब ये न्यूज वाले कौन से, हमें डे वन से बताते आ रहे हैं कि आज एक दिन हो गया, कल दो दिन हो गए, परसों तीन दिन हो जाएंगे, इसी तरह करते करते इतने दिन हो गए, उतने दिन कभी भी नहीं बताया इन्होंने. यहाँ पर 666 ही इन्होंने क्यों नोट करके तो यहाँ पर न्यूज बना दी है. मेन मकसद क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस नंबर को इतना आम करना है, इतना लोगों के जहनों में इसको डिसेंटिसाइज कर देना है कि जब मुखालफ मसीह आए अपनी छाप लेकर तो लोगों को लगे भाई ये फैशन है, ये कोई टैटू है, ये कोई बड़ा ज़बरदस्त नंबर है, हमें अगर मिल जाए ना तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा हमें. तो हर बंदा जो है वो लेना चाहेगा इस नंबर को. क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मीडिया के जरिए आम लोगों की ये माइंड प्रोग्रामिंग कर देनी है कि भाई ये एक खास नंबर है, अगर आप इसको ले लेते हैं तो आप बड़े लकी होंगे. अब सिर्फ ये ही नहीं कि यहां पर जंगों में इसको जोड़ा जा रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं इसका ताल्लुक भाई खुदा के कलाम की प्रोफेसी से है. पहली चीज ये कि ये कोई आम एवी नंबर नहीं है, 666 रिपीट नहीं हो रहा है, ये कोई तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, जी नहीं, ये प्रोफेसी है. खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मुखालफ मसीह की छाप का जो नंबर होगा वो 666 होगा, उसके नाम का अदद है जिसकी वो छाप करवाएगा. यहां पर आप देख सकते हैं खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, एंड द सेकंड बीस्ट रिक्वायर्ड ऑल पीपल स्मॉल एंड ग्रेट रिच एंड पुअर फ्री एंड स्लेव टू रिसीव अ मार्क ऑन देयर राइट हैंड और ऑन देयर फोरहेड. यानी कि उसने हर छोटे बड़े अमीर गरीब आजाद गुलाम के दहने हाथ पर या उनके माथों पर एक एक छाप करवा दी. और आगे लिखा है कि वो छाप का जो अदद है वो उसके नाम का अदद है, और जिसके पास अकल है, जो विजडम रखता है, वो उसके अदद को गिन ले, वो उसके नंबर को गिन ले. उसका नंबर क्या है? 666 है. 666 हमें बताया गया खुदा के कलाम में, ये प्रोफेसी है कि आगे फ्यूचर में मुखालफ मसीह जब एंड पर आएगा तो उसकी पहचान का नंबर क्या है, उसको हमने कैसे पहचानना है, ये उसकी पहचान का नंबर है. लेकिन आप नोट करें यहां पर क्या बताया जा रहा है, ये एक एंजल नंबर है. जी, नो द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ दिस नंबर. आपको किसी ने बताया होगा कि ये बड़ा कोई बैड लक का नंबर है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको यहां पर पढ़ाऊं, ये आप देख सकते हैं जी, यहां पर लिखा है इन्होंने, Seeing 666 doesn't mean bad luck. अगर आप इस नंबर को देखते हैं, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आपके साथ कोई बुरा होने वाला है. It's not evil at all. जी, ये बिल्कुल भी evil नंबर नहीं है. ये आपको बताया जा रहा है कि ये evil नंबर बिल्कुल भी नहीं. In fact, 666 is considered an angel number which has positive meanings and doesn't predict bad things happening. ठीक है, आगे ये उसके बारे में क्या बता रहे हैं, ये न्यूमरोलॉजी वगैरह के बारे में क्या बता रहे हैं कि जी नंबर 6 इज लिंक्ड टू इम्प्रूव एंड स्टिकिंग टू समथिंग. अब अगर आप जरा सी भी अकल रखते हैं तो आपके सामने है कि खुदा का कलाम आपको कहता है कि आपने राइट हैंड साइड पे जाना है, ये आपको कहते हैं कि आपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जाना है. इनकी हमेशा टसल रही है खुदा के कलाम से. जो कुछ खुदा का कलाम करने को कहेगा, जो कुछ खुदा का कलाम कहेगा कि सही है, ये उसको गलत मानेंगे, और जो कुछ खुदा का कलाम कहेगा कि गलत है वो इनके लिए सही है. क्यों? क्योंकि ये लोग शैतान के मानने वाले लोग हैं, ये खुदा के ऊपर बिलीव नहीं करते, खुदा के कलाम के ऊपर बिलीव नहीं करते. इनकी सारी जो दुश्मनी है वो खुदा के साथ है. यही वजह है कि ये अपने इन्फ्लुएंस को कायम रखने के लिए, लोगों को गुमराह रखने के लिए क्या करते हैं, एक्टर्स को यूज करते हैं. अब एक इंडिया का एक्टर है जी, अल्लू अर्जुन, मैं पहले इसको आलू समझता था, ये आलू नहीं है, अल्लू अर्जुन है. तो ये जो है यहां पर बता रहा है भाई कि इसके फोन नंबर के एंड पर 666 आता है, इसकी गाड़ी के नंबर के अंदर 666 है, इसके पास जो भी चीजें हैं जिसमें भी नंबर आता है उसमें 666 जरूर होता है. क्यों? क्योंकि इसको फैशन बनाना चाह रहे हैं. आप सुनिएगा जरा. What is my Allergen's phone number? Well, all my numbers end with 666. It could be my card, it could be my phone number, it could be my anything. Anybody who knows me knows that I use numbers to have 666. The devil.
और एंड पे वो क्या कह रहा है, द डेवल। ठीक है, वो अपने आप को डेवल कहने में बड़ी फखर महसूस कर रहा है इस चीज को कि भी मैं डेवल हूं, ये डेवल का नंबर है। इसको अच्छी तरह से पता है, ये जानते बूझते हुए ऐसे नंबर्स को जानबूझ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुदा की साइड पर नहीं है, ये खुदा के कलाम पर चलने वाले लोग नहीं है, ये खुदा के लोग नहीं है। इनका मकसद शैतान की बादशाहत को लेके आना है, क्योंकि ये अपने दिल की डिजायर्स, वही डिजायर्स जो शैतान रखता है, ये वो पूरी करना चाहते हैं। अब मोहनलाल की जो मूवी आई थी लूसीफर, उसके अंदर जो गाड़ी इस्तेमाल करता था मोहनलाल, खुद भी ये वहां पर लूसीफर बना हुआ है। उसको बड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है मूवी में, बिल्कुल उसी तरह से जैसे लूसीफर सीरीज में उसको एक अच्छा इंसाफ करने वाला दिखाया गया, लूसीफर को, डेवल को, उसी तरह से इसको दिखाया गया। और यहां पर इसकी गाड़ी का नंबर क्या रखा गया, 666, जानबूझ के। आप जगह जगह इस नंबर को देखेंगे, मैं आगे आपको और मजीद एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, लेकिन आप नोट करें कि इसकी गाड़ी का नंबर जानबूझ कर जहां पर शैतान का नाम लिया गया लूसीफर का, वहां पर क्या नंबर रखा गया, 666 रखा गया। अब कुछ दिन पहले मैं रोड पर जा रहा था और मुझे वहां पर गाड़ी नजर आई जिस गाड़ी की नंबर प्लेट पर नंबर 666 बहुत बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ था, ताकि सारी दुनिया देखे कि भाई इस गाड़ी का नंबर 666 है। जब मैंने उस गाड़ी के अंदर देखा तो वहां पर मुझे एक शख्स नजर आया जो कि गाड़ी चला रहा था, और जो मिरर होता है ना पीछे देखने वाला, उस मिरर के ऊपर उसने लटकाई हुई थी रोजरी, यानी कि वहां पर क्रॉस उसने लटका रखी थी सिर्फ ये शो करने के लिए कि देखो जी मैं मसीही हूं। और गाड़ी का नंबर क्या था, 666। ये दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। आप एक नंबर है शैतान का नंबर, और उस गाड़ी में आप बैठ के साथ उस गाड़ी के अंदर आपने क्रॉस लगाई हुई है ये शो करने के लिए कि मैं मसीही हूं। तो ये देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भाई तूने, अगर गाड़ी तुझे ये पसंद थी तो तू गाड़ी किसी और नंबर की ले लेता, तूने यही नंबर लेना था। क्यों लेना था, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि आई एम द डेवल। अंदर से वो बनने हुए कि जी हम हीरो की तरह, अल्लू अर्जुन की तरह, उसकी भी तो गाड़ी का नंबर 666 है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कौन सा शैतान का पुजारी है। तो इस तरह की चीज़ें अपने जहन में ला ला के वो माइंड प्रोग्रामिंग जो कि मीडिया से इनकी हुई हुई है, उसको अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए जानबूझ कर लोग आज ये कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक वक्त आता है कि जब मुखालफ मसीह आएगा, लोगों को लगेगा कि ये एक टैटू है यार, बस टैटू ले लो, फैशन है। जबकि खुदा का कलाम हमें साफ साफ बताता है कि एक दफा किसी ने ये छाप ले ली तो ना उसको दिन रात यहां पर चैन मिलने वाला जमीन के ऊपर, और ना ही आखरत में, क्यामत में उनको दोजक में डाला जाएगा और दिन रात उनको चैन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुखालफ मसीह की छाप ली और उसकी प्रस्तिश की। अब यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आज शायद ही कोई होगा जिसको नहीं पता होगा कि 666 जो है वो डेवल का नंबर है, मुखालफ मसीह का नंबर है, और इस नंबर से ही वो छाप करने वाला है जब वो आएगा मुखालफ मसीह। तो उसके बावजूद अगर लोग इस तरह से हरकतें करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नाफरमान हैं खुदा के। गुनाह का मतलब ही नाफरमानी है। खुदा अगर आपको कहता है कुछ करने के लिए कि आपने ये छाप नहीं लेनी है, इस नंबर को आपने अपने ऊपर नहीं लेना है, अपनी गाड़ी के ऊपर आप वो नंबर लगा रहे हैं, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि आप खुदा के ताबेदार नहीं हैं बल्कि शैतान के ताबेदार हैं। इस दुनिया को खुश करना आपकी पहली प्रायोरिटी है, ना कि खुदा को अपने राज़ी करना ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। तो जीजो, आज आपको इस तरह की बहुत सारी माइंड प्रोग्रामिंग जो है वो देखने को मिलेगी। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त कन्फ्यूजन का दौर है, और ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का दौर है। आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है, इसलिए खुदा से डिसर्मेंट मांगें, खुदा से रूहों को परखने की रूह मांगें, यानी कि पाक रूह मांगें। पाक रूह की नेमतों में से एक नेमत डिसर्मेंट की नेमत भी है। तब आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपके जहन के अंदर खुद ही आ जाता है, खुदा का कलाम, खुदा का पाक रूह आपके जहन में डाल देता है कि बेटा ये चीज़ ठीक नहीं है। फिर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे और आप ये बहाना नहीं लगा सकते भाई मुझे तो पता ही नहीं चला ये सही था कि गलत था। अगर आपके पास होली स्पिरिट होगा तो आपके पास डिसर्मेंट होगी, आपको पता होगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। मैं आपको बताऊं, जब मेरी वीडियोस के ऊपर अगर व्यूज़ 666 पे आके टिक जाते हैं तो मैं एक व्यू देने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे लाइक्स जो हैं वो 666 पर आके टिक जाते हैं तो मैं एक लाइक अपना डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे दिल के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि मैं खुदा की तरफ हूँ, कहीं ये चीज़ खुदा को बुरी तो नहीं लगेगी। मैं हर एक पल ये चीज़ सोच रहा होता हूँ कि क्या चीज़ खुदा को पसंद है, क्या चीज़ खुदा को पसंद नहीं है, क्या अगर ये चीज़ खुदा को पसंद नहीं है तो मैं इसको कैसे छोड़ूँ, मैं इससे पीछा छुड़ाऊँ, मैं उससे भागता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी खुदा है, मेरे लिए इस दुनिया की कोई भी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है खुदा से ज़्यादा। तो आज लोग दावा तो करते हैं कि वो खुदा से प्यार करते हैं, खुदा से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा? पता ऐसे ही चलेगा जब वो फरमा बरदारी करेंगे। जो फरमा बरदार नहीं है खुदा के, वो लोग झूठ बोलते हैं कि भाई मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ। तो अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते होंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि कैसे इस चीज़ को जानबूझ के डिसेंटिसाइज किया जा रहा है, ताकि जो अवाम है, देखें जी जो लोग मसीही हैं वो तो जानते हैं कि ये डेवल का नंबर है,
लेकिन जो लोग मसीही नहीं हैं, जो खुदा के कलाम के ऊपर ईमान नहीं रखते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनको तो नहीं ना पता, उनके लिए ये क्या कर रहे हैं, इस तरह से इसको फैशन बनाते जा रहे हैं, डिसेंटिसाइज कर रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो मुखालफ मसीह की छाप हंसी खुशी ले लें।